हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 21 जून, योगा दिवस है। आयरा आयरा योगा करके दिखाओ। आयरा योगा कर रही है, तो आज है योगा दिवस। तो गाइस, आज है 21 जून यानी कि योगा दिवस। सबको तो पता ही होगा कि 21 जून को योगा दिवस होता है। तो आप लोग बताना किसने किसने योगा किया है। तो मैं तो कर रही हूँ योगा, और मेरे साथ मेरी बेटी आयरा भी कर रही है, क्योंकि आयरा मेरा कॉपी करती हैं, किसी का भी कॉपी करती हैं। जो भी योगा करता है उसको एक बार देख लेती है, उसका ज़रूर कॉपी करेंगी। तो अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे थे, तो मैं और आयरा योगा स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मैं बात भी कर रही थी। जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे योगा आयरा भी फॉलो करती हैं, और मैंने अपने रूटीन में योगा शामिल किया है। तो आप लोग भी शामिल करें, तो ये देख सकते हैं। कमेंट में आप लोग बताना कि किसने किसने योगा किया है, और आज है योगा दिवस। तो योगा तो बनता है भाई, कि सबको योगा करना चाहिए। वैसे भी अपने रूटीन में योगा शामिल करना चाहिए, हर कोई को 5 या 10 मिनट 15 मिनट योगा ज़रूर करना चाहिए। तो मैं तो अपने रूटीन में मैंने शामिल किया, और मेरे साथ मेरी बेटी भी करती है, और हम लोग हंसते हैं उसकी क्यूटनेस योगा देख के, कि कितनी प्यार उसकी क्यूटनेस योगा देख कर बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं कि जब मैं ये हैंड वाला कर रही हूँ, तो इनका भी देखिए कैसे कर रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आज ही दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और वो भी बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा था। तो ये देखो कैमरे के सामने आ जा रही है, कैमरा आगे रखा हुआ था। कहाँ दूध पियोगी? दूध कहाँ पियोगी? नहीं पियोगी? किधर? उधर दूध पियोगी? दूध कौन पिएगा? जल्दी फिर छोड़ ले, तो जल्दी लेट लो। अरे यार लेट लो भाई, एवरीवन। हम आए हैं आयरा को लेकर ऊपर। यार अभी मॉर्निंग के 9 बजने वाले हैं, अभी बजा भी नहीं है। और आयरा देखो, आयरा सारे तुलसी के पत्ता तोड़ने में लग गई हैं। आयरा देख रही ना, पापा तुलसी के पत्ता तोड़ के ले गए हैं, अब सब तुलसी के पत्ता तोड़ेंगे। बेटा नहीं, तो भगवान जी हैं, काम करते हैं, माता रानी है। माता रानी जय करते, जय 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 कर दो, जय कर दो माता रानी को। आयरू आयरू छोड़ दो, चलो हम जा रहे हैं। आयरू जा रहे हैं बेटा, जा रहे हैं। और आयरा को दिखाते हैं कितनी क्यूट आज लग रही है। आयरा इधर देखो, हेलो बोलो, हेलो। हाँ ये देखिए, आयरा ने 2 चोटी आज बनाया है, कितनी आज प्यारी लग रही है। नहीं देखिए, सारा तुलसी पत्ता तोड़ दी। ईवान अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ग्रहण खत्म हो, तो फिर हम लोग अपना स्नान करें। तो ये देखो आयरा को तो नींद आ रही है, बस ये देखो लंच भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बस ब्रेकफास्ट किया है मॉर्निंग से। जब ग्रहण खत्म होगा उसके बाद हम लोग कुछ बनाएंगे, देखते हैं, क्योंकि ग्रहण का कुछ भी नहीं खाते हैं इस वजह से। और आयरा का देखो कैसे हेडफोन लगाती हैं गले में। किससे सीखी हो ऐसा? कौन सिखाया है बाबू को हेडफोन लगाना? गर्दन या चुप हो जाएगा। और मैं और आयरा बैठे हैं, बस वेट कर लेंगे कि 3 बजे के 4 मिनट तक ग्रहण है। उसके बाद हम लोग अपना स्नान करेंगे, मम्मा बेटा जाएंगे नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ बनाएंगे खाने के लिए। भूख लग गई है, ग्रहण लग जाता है, भूख लग गई आज। 2 बजने वाला, भूख लगने का टाइम भी हो गया ना, लंच का टाइम हुआ। मम्मा या पापा किससे प्यार करती है? मम्मा से। तुम मम्मा से क्या करता है? आओ आयरा, पापा बुला रहे हैं, मम्मा बुलाई जाए। आ जाओ आयरा, आ जाओ आयरा, आ जाओ। अच्छा भागोगी? आ जाओ आ जाओ, पकड़ लियो। ये देखो मेरी आयरा, ये देखो बमछुआ आयरा। चल घोड़ा टिक टिक टिक, चल घोड़ा टिक टिक टिक। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने सोचा था कि मैं कुछ बना लूँगी, लेकिन बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। और ये देखो घर का आम था, और मम्मी गई थी गांव, तो वहाँ से आम लेके आई थी। और तो ये मैं और आयरा खा रहे हैं, और आयरा का इस सीज़न का पहला आम है। इस सीज़न क्या, आयरा के लिए आयरा ने पहला बार खाया है आम, क्योंकि जब आयरा पैदा हुई थी उस समय एकदम छोटी थी, मैं पैदा हुई थी, अभी 1 ईयर की कम्प्लीट हुआ है इनका, तो इनका पहला आम का सीज़न है। तो ये देख सकते हैं बहुत मज़े से खा रही है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके साथ साथ मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक प्लेट में लेके रखा था। तो हम दोनों खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, और घर का आम है, बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत टेस्टी।
और क्या था कि बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही जैसे सूर्य ग्रहण लगा था तो मॉर्निंग में ही मैंने पराठा खाया था दो, तो इस वजह से लंच नहीं किया था, तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैं सोचता कुछ बना लूँगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बस मैंगो खा लिया फिर शाम में चाय। हेलो एवरीवन, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और ग्रहण 3:04 तक लगा हुआ था। उसके बाद मैं और आयरा ने स्नान किया, सब ने स्नान किया, सारे लोगों ने स्नान किया। उसके बाद हम लोग चावल छुए, आयरा ने भी चावल छुआ था ना, ऐसे 5 बार ऐसे 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 आयरा ने मम्मा में ही छू लिया था, मम्मा में, मम्मा बेटी। तो 3:04 तक ग्रहण लगा था। उसके बाद मैंने और आयरा ने, मतलब पूरे फैमिली ने, उसके बाद हम लोग स्नान किए, चावल छुआ मैंने और आयरा ने भी छुआ था चावल। आयरा वो नहीं होगी तो इसको भी मैंने छुआया था। तो और आयरा मम्मी में ये देखो कितना परेशान करती है अपनी मम्मा को, और कैमरा को एकदम ऐसे कर देगी आयरा, क्योंकि आयरा है ना इसलिए। और उसके बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी, बहुत तेज़ भूख लगी थी मुझे और आयरा को। आयरा से दूध दूध पी लेती थी, मम्मा ने कुछ भी नहीं खाया था, माँ से सुबह मॉर्निंग में पराठा खाया था, बहुत तेज़ भूख लगी थी। उसके बाद हम लोग मैंगो खाए, मैंगो घर का मैंगो, मैंगो एकदम मज़ा आ गया मैंगो खा के। एरू एरू मैंगो खाई थी कैसा लगा था? आम खाई थी कैसा लगा था? आम कैसा लगा था? आम खाई थी कैसा टेस्ट लग रहा था बता दो, नहीं बताओगी? आयरा कैसा लग रहा था? और उसके बाद अभी हम लोगों ने डिनर किया, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो वीडियो को एंड कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया है आज। ये बमाशा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप एक चीज बताएं कैसे इसे संभाला जाए, इसको कैसे संभाला जाए, ये बहुत बदमाश लगती है। पता है आयरा पूरे टाइम मोबाइल लेकर बैठी है। हमारा डिनर हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ सोने। सोने क्या जाऊँगी, अभी मैं मोबाइल देखूँगी क्योंकि पूरे टाइम आयरा लिए रहती हैं तो कुछ नहीं हो पाता, और रात में मैं वीडियो को एडिट करती हूँ ताकि मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि दिन में, इस वजह से। और ये देखो कैसे मैं कर रही हूँ, अगर जगी रहती हैं तो आयरा मॉर्निंग से उठती हैं और मॉर्निंग से लेकर रात तक जब तक जगी रहेंगी इन्हीं के पास रहता है मोबाइल। तो गाइस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, बाय।